उज्जैन शहर को संपूर्ण भारत में 12 ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल महादेव की नगरी के रूप में जाना जाता है और शहर में प्राचीन प्रसिद्ध पूजनीय क्षिप्रा नदी निकली हुई है। क्षिप्रा नदी के किनारे कई प्रमुख मंदिर, कई घाट हैं और क्षिप्रा नदी के घाट पर भगवान श्री राम ने पूजा अर्चना की थी। पितरों की आत्मा की शांति के लिए इसी वजह से मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। क्षिप्रा नदी के तमाम घाटों पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजन अर्चन करते हैं। वंतिका तीर्थ में पितरों के श्राद्ध के लिए नियत स्थान सिद्धवट घाट एवं राम घाट पे तीर्थों की प्रसन्नता के पितरों की प्रसन्नता के लिए तीर्थ में श्राद्ध किया जाता है। पितृ श्राद्ध है, नाग बलि नारायण बलि पूजन किया जाता है, पितृ शांति का पूजन किया जाता है। आज वंतिका तीर्थ में वही श्राद्ध पक्ष में सारी पूजाएँ हो रही हैं और तीर्थ में महत्व यह है कि पितरों की प्रसन्नता के लिए जो वर्ष भर समस्त पितरों जिनका जो ज्ञात अज्ञात पितृदेव रहता है, जिनके निमित्त कोई व्यक्ति जलदान पिंडदान का विधान नहीं करता है, तो ऐसे श्राद्ध पक्ष में समस्त लोग तीर्थ में आके तीर्थ में पितृ का पितृ शांति पूजन करते हैं, जलदान पिंडदान अर्पण करते हैं, दूध का अर्घ प्रदान करते हैं। इस तीर्थ का महत्व इसलिए सबसे बड़ा है क्योंकि यहाँ पे अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका या अवंतिकापुरी है और मोक्ष के राजा महाकाल महाराज यहाँ विराजमान है। फिर यहाँ पर भगवान रामचंद्र जी ने उनके पिता दशरथ जी के पिंडदान दिए थे। इसी जगह पर यहाँ पर श्राद्ध पक्ष में भक्तगण दूर से गांव-गांव से यहाँ पर आकर के अपने पितरों के नाम से पिंडदान श्राद्ध तर्पण करते हैं। उज्जैन से वीरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।